नहीं, कहीं भी मरीजों का संक्रमण का खबर जब आता है तो चिंता बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है। आज अभी तक 12 नए पॉजिटिव केस की जानकारी मिली और अब बिहार में पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ के 51 हो गई और ये जो 51 की संख्या हो गई है उसमें सिवान का एक खास पंचायत है पंजवाल, जहां दर्जन भर से अधिक की संख्या में लोग संक्रमित हो गए, तो उस पूरे इलाका को सील किया गया है और जो भी नजदीकी लोग हैं क्लोज कॉन्टेक्ट्स के और सारे लोगों के सैंपल्स भी जांच कराए जा रहे हैं। टेस्टिंग किट्स की कमी किसी ने नहीं था, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि टेस्टिंग किट के कारण कोई जांच रुक गया था, ऐसा एक भी दिन नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे महत्व का विषय है और उसके लिए लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन का अनुपालन करना, ये नहीं करें तो करवाना, ये सारा प्रयास सरकार की तरफ से हुआ। इसके बाद भी जो हॉटस्पॉट जैसा दिख रहा है जहां अधिक संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं, अब हम लोगों ने आज से उस एरिया को पूरी तरीके से सील करने का काम शुरू कर दिया ताकि बिल्कुल ही मूवमेंट ना हो। आपके ध्यान में होगा कि जब बाहर से लोग आए थे तो एक तो था कि जो विदेश से आए थे, तो विदेश से जो खास करके 18 मार्च के बाद आए, वैसे सभी लोगों को चिन्हित करके हम लोगों ने जो सामने आए सभी लोगों का हम लोगों ने जांच करवाया। दूसरा, जो अंतर्राज्यीय लोग आए थे अपने देश के अंदर से, वो एक बड़ी संख्या थी, तो उनको घरों तक पहुंचाया गया था, फिर गांव में उनको पंचायतों के अंदर स्कूलों में होम क्वारंटाइन में रखा गया है, कुछ लोग अपने घर के अंदर होम क्वारंटाइन में, तो ऐसे सारे लोगों का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्क्रीनिंग हो रहा है और स्क्रीनिंग और शारीरिक परीक्षण के बाद चिकित्सक को जिसकी लगती है कि इसके जांच की भी आवश्यकता है, इसका स्वाब टेस्ट करना चाहिए, फिर उसका टेस्ट भी होता है।